वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलते हैं आपको दिखेंगे अफगानिस्तान के साथ मिडल ऑर्डर में विजय शंकर की जगह, क्योंकि विजय शंकर को वो निगल है और वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। दोस्तों, विश्व कप 2019 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार का विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। इस विश्व कप में फाइनल मैच 14 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम को अगला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। इस मैच में विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को मौका मिलने की बहुत सारे आसार हैं। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय चोटिल खिलाड़ियों के कारण थोड़ा मुश्किल में नज़र आ रही है। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंगूठी में चोट लगने के कारण विश्व कप से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को विश्व कप में टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को चोट के कारण अगले दो मैच में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। अब ऑलराउंडर विजय शंकर को अभ्यास करते समय जसप्रीत बुमराह की गेंद लगने के बाद तो समस्या और भी गंभीर हो गई है। दोस्तों, विराट कोहली की टीम का अगला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ है। पिछले मैच में नंबर 4 पर विजय शंकर को मौका मिला था, जिसे उन्होंने भुनाया भी गया था। दोस्तों, लेकिन अब उनके चोटिल होने के बाद नंबर 4 की जगह खाली हो गई है। हालांकि विजय शंकर की चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी विराट कोहली को कोई मौका नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैच में नंबर 4 पर आप ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं, पर लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अब भारतीय मध्यक्रम में एक आक्रामक खिलाड़ी की मौजूदगी है। दोस्तों, यदि भारतीय टीम को सेमीफाइनल के करीब पहुंचना है तो इस मैच में उसको जीत दर्ज करनी होगी। अफगानिस्तान के खिलाफ उसके पिछले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। यह मैच 22 जून को साउथहैम्पटन के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम के विश्व कप के अभियान की शुरुआत इसी मैदान पर हुई थी। दोस्तों, अब सभी की राय क्या है? क्या ऋषभ पंत को विजय शंकर की जगह लेनी चाहिए? और अफगानिस्तान और इंडिया का मुकाबला कौन जीतेगा? उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।